नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्वाति। ग्वालियर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत कार्यवाही करते हुए घर से लापता हुए नाबालिग जोड़े को पटियाला पंजाब के रेलवे स्टेशन से बरामद किया है। करीब 7 दिन पहले घर से लापता होने के बाद बालिका के परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए बालिका के माता पिता की शिकायत पर अपहरण का मामला दर्ज कर लापताओं की तलाश शुरू की। अभी पुलिस उनकी तलाश कर रही थी कि तभी पटियाला पुलिस से सूचना मिली, किसी एक जोड़े को पटियाला स्टेशन पर पकड़ा गया है। इसके बाद बहोड़ापुर पुलिस नाबालिग किशोर किशोरी को लेने पंजाब पहुंची और सोमवार को उनको लेकर ग्वालियर लौटी है। बरामद किए गए लड़का लड़की की जानकारी देते हुए बहोड़ापुर थाना सर्किल के CSP संदीप मालवीय ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत बहोड़ापुर थाना क्षेत्र से लापता हुए नाबालिग किशोर किशोरी को पंजाब पटियाला रेलवे स्टेशन से बरामद कर ग्वालियर ले आए हैं। 17 जनवरी 2023 को 16 वर्षीय बालिका और 17 वर्षीय बालक अचानक घर से लापता हो गए थे। इसके बाद बालिका के परिजन की शिकायत पर धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर लापता लड़का लड़की की तलाश की जा रही थी। तभी पुलिस अधीक्षक अमित सांघी को पटियाला पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्वालियर से लापता हुआ एक जोड़े को पटियाला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने से पहले पकड़ लिया है। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी के निर्देश पर थाने की टीम बनाकर पटियाला हरियाणा भेजी गई थी, जहां लापता हुए बालक और बालिका को बरामद कर पुलिस टीम ग्वालियर ले आई है, जहां जरूरी कागजी कार्यवाही करने के बाद लड़का और लड़की को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार जो मुस्कान अभियान चल रहा है, जिस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में दो नाबालिग बच्चे, एक बालक एक बालिका, 17 जनवरी 2023 को गुमशुदा हुए थे। उनके गुमशुदा होने पर परिजनों के द्वारा 363 भादवी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और कल उन्हें दस्तियाब किया गया है पटियाला पंजाब से। अभी बच्चों के बयान हुए नहीं हैं, तो जैसे उनके बयान हो जाते हैं CWC के समक्ष पेश किया जाएगा।